इस वीडियो में हम लोग वरीता क्रम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को वरीता क्रम के बारे में बता रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये वरीता क्रम पूरा नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो में आप लोग उसको समझ लीजिए। वरीता क्रम में सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक समूह को रखते हैं, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को रखते हैं, एनहाइड्राइड उसके बाद आता है, उसके बाद एस्टर आता है, एसिड हेलाइड आता है, फिर एसिड एमाइड आता है, फिर साइनाइड आता है, फिर आइसोसाइनाइड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, एल्कोहल आता है, थायो एल्कोहल आता है, एमीन आती है, उसके बाद आपका ईथर आता है, उसके बाद आपका एल्कीन आता है, लास्ट में एल्काइन आता है। तो ये वरीता क्रम है। आपको मैं जब नामकरण बताऊंगा तो वरीता क्रम का यूज़ क्या होता है इसको आपको बताऊंगा। मतलब कि वरीता क्रम में जो योग जो समूह पहले आता है उसको हम मुख्य समूह मानते हैं, और जो बाकी समूह होते हैं वो प्रीफिक्स में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब मैं नामकरण आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब हम जो है वरीता क्रम को समझ चुके हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रम है। इस क्रम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जेई मेन में एक बार क्वेश्चन 2006-07 में पूछा गया था कि निम्न में वरीता क्रम का सही क्रम क्या है। वो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको कराऊँगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जेई मेन, नीट, सारे क्वेश्चन आईटी में जो भी अब तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के करा दूंगा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको नामनक्लेचर पढ़ना है, इसका क्रियात्मक समूह मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये आपको पता है कि होता है COOH होता है। इसको सफिक्स में आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि इसको सफिक्स में जो है लिखते हैं ओइक एसिड। कभी कभी इसको सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं। कहाँ कब लिखते हैं ये आपको मैं अभी क्वेश्चन करा के क्लियर करा दूंगा, लेकिन इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते हैं। अगर प्रीफिक्स में इसको लिखना हो, प्रीफिक्स तो आप समझ रहे होंगे वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आता है बाद में सफिक्स आता है, तो इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। तो प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी लिखते हैं, और अगर इसको सफिक्स में लिखना हो तो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। कब ओइक एसिड लिखते हैं, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स का मतलब जब हम इसको वर्ड रूट के पहले लिखते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब मैं आपको नाम बता रहा हूँ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीएसी नाम लिखते समय जो अल्केन होता है उसके नाम के अंत से ई शब्द को हटाया जाता है और ओइक एसिड जोड़ा जाता है। हिंदी में लिखना है तो ओइक अम्ल लिखेंगे। जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है आपका HCOOH। आपको पता है कि इसमें एक कार्बन के लिए मेथ आता है,
मिथ। तो मिथ एक कार्बन का जो अल्केन बनता है वो मेथेन होता है, तो मेथेन के लास्ट से ई को हटा के ओइक एसिड जोड़ना है, तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। वैसे इसका जो कॉमन नाम है, इसका जो कॉमन नाम है वो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आपको कॉमन नाम भी जानना है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में, फार्मिका माने चींटी होता है, ये फार्मिका इसका लैटिन नाम है। तो सबसे पहले इसको चींटियों से प्राप्त किया गया था, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। एक EIPC नाम है, ये कॉमन नाम है। आपको कॉमन नाम याद रखना है क्योंकि किताबों में कॉमन नाम लिखा हुआ मिलता है। दूसरा है, अगर मैं दो कार्बन की एसिड की बात करूं तो ये मेरा एसिड हो जाएगा, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन से आपका अल्केन बनेगा एथेन, ई को हटा के ओइक एसिड जोड़ना, एथेनोइक एसिड, और इसे कहेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दो कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड, ये पाया जाता है सिरके में, एसिटिक एसिड सिरके का एसिड है। सिरका पहले घरों में खाने में इस्तेमाल होता था, अब भी लोग अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड। और आपको पता है कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें कोई ना कोई एसिड ही पाया जाता है। अब अगर मैं कार्बन की संख्या को 3 कर दूं, CH3, CH2, COOH, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन, 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, ई को हटा के जोड़ना है ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए 4 का भी आप एग्जांपल आप एक देख लीजिए, CH, CH3, CH2, COOH। इसमें जो COOH का कार्बन होता है वो भी गिनती में आता है, काउंटिंग में भी आता है, क्योंकि आपको पता है वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है, तो जहां से यहां पर ये होगा वहीं से ही गिनती प्रारंभ हमें करनी है, तो ये कार्बन गिनती में आता है। अब आप देखिए कि तीसरे पोजीशन पे मेथिल जो है वो पार्ट श्रृंखला के रूप में आ रहा है, जिसका नाम हो जाएगा 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड। फिर से समझ लीजिए, मेथेनोइक एसिड इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड कहते हैं, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन लेकिन एक साइड चेन है, तो 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इसके कुछ एग्जांपल थे, जो सिंपल एग्जांपल थे। कुछ और क्वेश्चनों को आप लोग देखिए, देखिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, तो आपको कार्बोक्सिलिक समूह को गिनती में इन्वॉल्व करना है, मतलब उसको काउंटिंग में लेना है, चाहे हमारी पार्ट श्रृंखला की लंबाई छोटी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक समूह को गिनती में अवश्य लेना है। अगर हम गिनती में कार्बोक्सिलिक समूह को
हमें गिनती में इसको लेना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी करा के दिखा दे रहा हूँ, इसे गिनती में आवश्यक रूप से लेना। देखिए जैसे अगर मैं इधर से गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि मुझे गिनती को क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह से ही शुरू करनी है। यहाँ से मैंने काउंटिंग किया तो जो मेरी श्रृंखला है वो 5 कार्बन की बन रही, श्रृंखला तो छोटी हो गई, लेकिन जो मेरा क्रियात्मक समूह है वो आपकी गिनती में आ रहा है, काउंटिंग में आ रहा है। तो ये जो काउंटिंग है सही है, तो इसका नाम हो जाएगा 3। पर देखिए 3 कार्बन का समूह है, 3 प्रोपिल पेंटेनोइक एसिड, 3 प्रोपिल पेंटेनोइक एसिड। तो शायद आपने समझ लिया होगा, मेरे कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह को मुझे गिनती में लेना है, काउंटिंग में उसे शामिल करना है, चाहे मेरी पार्ट चाहे मेरी जो मुख्य श्रृंखला है उसकी लंबाई छोटी ही क्यों ना हो, मुझे कार्बोक्सिलिक समूह को काउंटिंग में इन्वॉल्व करना है। और जहाँ से कार्बोक्सिलिक समूह है वहीं से गिनती को भी प्रारंभ करना है, वहीं से गिनती को प्रारंभ करना। अब देखिए मैं कुछ ऐसे यौगिकों के बारे में या ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको बता रहा हूँ जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे डाइओइक एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक से काउंटिंग को शुरू कर दो 1 2 3। तो ये जो हमारा CH3 है ये आपको पता है, ये आपका आ गया पार्ट श्रृंखला में 2 पर है, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल। इसके बाद मुख्य श्रृंखला में हमारे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। आपको पता है कि प्रोपेन के लास्ट से हमको ई को नहीं लिखना है, प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक समूह के लिए आपको आ जाएगा डाइओइक एसिड, ACID डाइओइक एसिड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने एल्किन में पढ़ा था डाइईन आता है, एल्काइन में डाई आइन आता है, तो उसी तरीके से 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो डाइओइक एसिड है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कार्बोक्सिलिक समूह की पोजीशन को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह जो है और उसकी दूसरी कोई पोजीशन संभव ही नहीं है, वह लास्ट में ही होंगे, तो उसकी पोजीशन लिखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो हो गया 2-मेथिल प्रोपेन डाइओइक एसिड हो गया। प्रोपेन तो आप समझ लेंगे कि 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, डाइओइक एसिड इसलिए आया था क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 2 बार आया था। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए, CH2 COOH। अब देखिए इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, उसमें तो हमने गिनती को कहीं से भी प्रारंभ कर लिया था, कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसमें हम गिनती को यहाँ से शुरू करेंगे। इससे हमारा फायदा ये मिलेगा कि हमारी जो साइड चेन है, ये जो पार्ट श्रृंखला बन रही है, इसको न्यूनतम अंक मिल पाए। तो 6 कार्बन की श्रृंखला बनी है, दूसरे पर मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक।
हेक्सेन डाइओइक एसिड, बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी हमको किसी भी तरीके से ये जो कार्बोक्सिक समूह है इसकी पोजीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा लास्ट में ही आएंगे। अगर इसमें दो कार्बोक्सिक समूह है तो दोनों कार्बोक्सिक समूह हमेशा सिरे पर ही आएंगे, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद अब आपको कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ स्पेशल नेम भी होते हैं। अब स्पेशल नेम क्या होते हैं? स्पेशल नेम क्या होते हैं, इसको पहले समझ लीजिए कि स्पेशल नेम क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को काउंटिंग में नहीं ले सकते, उसके पीछे भी दो कारण होते हैं। एक कारण तो यह होता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होता है। अगर वो कंपाउंड साइक्लिक हो तो कार्बोक्सिलिक समूह को हम काउंटिंग में ले ही नहीं सकते, कैसे लेंगे? मैंने बताया था कि एक कार्बन रिंग का और एक कार्बन खुली श्रृंखला का लेके हम काउंटिंग नहीं कर सकते। रिंग की काउंटिंग अलग होती है, खुली श्रृंखला की अलग होती है। तो रिंग के कार्बन के साथ में इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो सकती। तो जब इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो सकती है तो मुझे उस कार्बन को अलग लिखना ही पड़ेगा, और यही स्पेशल नेम होता है। और इस प्रकार के नेम में मुझे, अभी मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में दो नाम आते हैं सफिक्स में, एक होता है ओइक एसिड, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा स्पेशल नेम में ही आता है। अब आप देखिए कि ये जो कंपाउंड है मेरा है साइक्लोहेक्सेन का स्पेशल नाम के अंत में जो ई होता है वो भी लिखा जाता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका स्पेशल नेम है। अगर मान लीजिए कि एक मैं नाम और बता दे रहा हूँ यहीं पर छोटा सा, मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक समूह दो बार आए तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाए। अब देखिए ये 1-2 पर है, जो हमारी रिंग है वो 5 कार्बन की है, तो इसमें हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। से आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट था कि हो सकता है ये कैमरे में ना आए, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। इसे आप एक लाइन लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक, 1-2 जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन को बता रहा है। तो कुछ इस टाइप के और नाम आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप के एग्जांपल मैं आपको कई बार कराऊंगा। ये अब आप देखिए इसमें समस्या है कि अगर मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा कार्ब, मैं चाह के भी तीनों कार्बोक्सिलिक समूहों को गिनती में नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा जो बीच का कार्बोक्सिलिक समूह है तो छूट ही जाएगा। तो इसको नाम लिखने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि तीनों कार्बोक्सिलिक समूह को छोड़ दिया जाए
और केवल इसकी काउंटिंग कर ली जाए। इसकी काउंटिंग करेंगे तो हमारा आएगा प्रोपेन, प्रोपेन आएगा। कार्बोक्सिलिक समूह मेरा कहाँ है, अक्षर के बाद पट पाई है, तो वन पर है, टू पर है, थ्री पर है, तो वन टू थ्री, इसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह तीन बार है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से भी इसकी काउंटिंग हो सकती है। एक इसका नाम और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक समूह को मैं प्रीफिक्स में लिखता हूँ तो इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। अगर मैं इसकी काउंटिंग यहाँ से करूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा, थ्री कार्बोक्सी। इसके बाद अब देखिए, जो हमारी श्रृंखला है वो पांच कार्बन की हो गई। पांच कार्बन के लिए आपका आएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन। लेकिन ये जो नाम है ये स्पेशल नाम नहीं है, इसमें ई को हटाना पड़ेगा, पेंटेन के लास्ट से ई हटाएंगे, पेंटेन डाई ओइक एसिड। स्पेशल नेम में कार्बोक्सिलिक अंत के नाम के अंत में, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, लेकिन जो सामान्य नाम होता है उसके नाम के अंत में डाई ओइक एसिड। सामान्य नाम का मतलब जिसमें हम गिनती को कार्बोक्सिलिक समूह से शुरू करते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह गिनती में आ जाता है, उसके नाम के अंत में हम ओइक एसिड लगाते हैं, और जिसमें ये कार्बोक्सिलिक समूह हमारे गिनती में नहीं आता है उसके नाम के अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण था। अब आप जो है समझिए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उसे हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सामान्य सूत्र होता है COOH, बीच में CH2N। अब N की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। N की वैल्यू अगर जीरो होती है तो ये जो यौगिक होता है ये होता है COOH। इसका नाम, कॉमन नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आईयूपीएसी नाम देखा जाए तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए नाम होगा एथेन, ई को हटाना है, एथेन डाइओइक एसिड, एथेन डाइओइक एसिड। कॉमन नाम इसका ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक में यहाँ पर ए रहेगा, ऑक्सैलिक, हाँ ए रहेगा, मैंने गलत लिखा था, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा मेरा एथेनोइक, एथेन डाइओइक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक समूह है तो डाइओइक एसिड। अब अगर मैं एन की वैल्यू को एक कर दूं, अगर एन का मान मैं एक कर दूं तो क्या होगा, COCHO CH2 COOH, वन टू थ्री,
इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। और इसका जो कॉमन नाम है ये नाम है मैलोनिक एसिड, यह का उसी कंपाउंड काम का है मैलोनिक एसिड। ये आपको पढ़ाया जाएगा मैलोनिक एस्टर, इसमें जो ये समूह होता है ये इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो नीचे वाला जो है इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ये इसका कॉमन नाम है। ऊपर वाला आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसका नाम है मैलोनिक एसिड। अब अगर एन की वैल्यू दो हो जाती है तो इसका नाम होता है सक्सैनिक एसिड। एन की वैल्यू दो होने पर इसका नाम होता है सक्सैनिक एसिड, उसको भी आप देख लीजिए। अगर एन बराबर मैं दो कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन बराबर दो का मतलब CH2 COOH, तो 1, 2, 3, 4 IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नाम होता है सक्सैनिक एसिड, सक्सैनिक एसिड, इसका कॉमन नाम है सक्सैनिक एसिड। इसका में चार कार्बन है तो ब्यूटेन, दो कार्बोक्सिलिक समूह तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। सक्सैनिक एसिड इसका कॉमन नाम है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए, अगर N की वैल्यू 3 हो जाती है, अगर N की वैल्यू 3 हो जाती है तो इसका फार्मूला क्या होगा, CH2 COOH COOH। पहले हम काम IUPAC नाम की बात कर लें, इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड इसका कॉमन नाम है। वैसे आईयूपीएसी नाम है, इसका कॉमन नाम है ग्लूटैरिक एसिड। कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 है, मैंने एन बराबर लिख दिया था, ये CH2 1, 2, 3 है। पेंटेन डाइओइक एसिड ग्लूटैरिक एसिड है। अगर कार्बन की संख्या एन बराबर अगर इसमें 4 हो जाए तो क्या होगा, उसको भी देखिए। अगर एन बराबर इसमें 4 हो जाता है तो क्या होगा, CH2 COOH COOH 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड होगा। और वैसे इसका नाम है, कॉमन नाम है एडिपिक एसिड। इसका आपका यूज दिखेगा पॉलीमर में, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का जो पॉलीमर होता है वो होता है नाइलॉन 6,6 जो होता है,
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का बहुलक होता है, तो वहाँ पर एडिपिक एसिड के आपके बारे में आपको इसके बारे में समझाया जाएगा, एडिपिक एसिड। अब एन की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो क्या होगा, एन की वैल्यू 5 होने पर क्या होगा, एन की वैल्यू 5 होने पर वन टू थ्री फोर फाइव